यस, डिक्टेशन की गति है 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 10वीं पंचवर्षीय योजना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे कम समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्यों ने हम पर यह आरोप भी लगाया कि हम योजना में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने तो यह भी कहा कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी उनको इस बारे में कुछ नज़र नहीं आया। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई दूसरा घोषणा पत्र देखा, गलत घोषणा पत्र पढ़ा और उसी को हमारा घोषणा पत्र इस समय समझ बैठे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा घोषणा पत्र इस समय मेरे पास है। इस घोषणा पत्र में हमारी घोषणा में योजना के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम योजना पर विश्वास नहीं रखते, जो जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकती, जो जनता के कष्ट दूर नहीं कर सकती। आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें हम पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना आदि कहते हैं, और उन योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया, उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कष्ट दूर नहीं हुए। इन योजनाओं के परिणाम भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े अनुभवी बैठे, उन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाएं ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं की गई। उन योजनाओं में काफ़ी दोष थे, जिसके कारण ये योजनाएं लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकी। लोग दुखी ही रहे। पैराग्राफ। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो हमारी योजना थी, उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम यही निकला कि हमें रुपये का मूल्य कम करना पड़ा। जो योजना होती है, वह राष्ट्र धन को ऊंचा करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन हमारे सामने आंकड़े हैं, इसका परिणाम हमारे सामने है। हमने अब तक 9 पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की है, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय में और जीवन स्तर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। यह दुख की बात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसी योजना में विश्वास नहीं है, जो जनता के कष्टों को, जनता के दुखों को दूर न कर सके। हम ऐसी योजनाओं पर विश्वास करते हैं जो उनकी आयु बढ़ा सके, उनका आर्थिक विकास कर सके, उन्हें उन्नत कर सके। स्टॉप।